अपने दम पर अपनी पहचान बना चुके बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के रूप में शुरुआत करने वाले ऐसे एक्टर जो आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। फुकरे रिटर्न्स, जय हो, सनम रे जैसी मूवीज का हिस्सा रह चुके जो अपनी एक्टिंग स्किल्स के कारण बेहतरीन एक्टरों की सूची में शामिल हो चुके हैं, जो है दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक्टर पुलकित सम्राट। पुलकित की कहानी अपने आप में ही बयान करने वाली है, कैसे एक दिल्ली के लड़के ने अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाई, ये बताए ही बनता है। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में एक नजर पुलकित सम्राट की कहानी पर। दिल्ली में जन्मे 29 दिसंबर 1983 को पुलकित के फादर का दिल्ली में रियल इस्टेट का कारोबार था, इसलिए पुलकित का बचपन और उनकी स्कूलिंग पूरी तरह से दिल्ली बेस ही रही है। पुलकित ने अपनी स्कूलिंग मानव स्थली स्कूल राजेंद्र नगर एंड माउंट फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक विहार से करी है। अपने स्कूलिंग खत्म होने के कुछ समय बाद ही पुलकित ने दिल्ली में ही मौजूद अपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में एडमिशन लिया उनके डिजाइन कोर्स में, लेकिन एडमिशन लेने के 5 महीने के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट मिला, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए साल 2005 में। मॉडलिंग असाइनमेंट के खत्म हो जाने के बाद पुलकित ने एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया, जिसके संचालक थे एक्टिंग टीचर किशोर कपूर। किशोर कपूर जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग टीचिंग के कारण, जिन्होंने बॉलीवुड के काफी नामी कलाकारों को ट्रेन कराए, जिनमें शामिल है प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, करीना कपूर एंड रणवीर सिंह। पुलकित ने मुंबई शिफ्ट हो जाने के बाद अपना टीवी डेब्यू करा साल 2006 में बालाजी टेलीफिल्म्स के टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसके कारण ही उन्हें अपना पहला रिकॉग्निशन मिला और वे नवाजे गए अपने पहले अवार्ड से, इंडियन टेली अवार्ड फॉर फ्रेश न्यू फेस मेल के खिताब से, जिसके बाद वह नजर आए साल 2008 में एज अ कंटेस्टेंट कहो ना यार है फ्रेंड्स बेस्ड रियलिटी टीवी शो में, जो उनका आखिरी अपीयरेंस था टेलीविजन पर। पुलकित ने अपना एक्टिंग डेब्यू मूवीज में करा साल 2012 में आई मूवी बिट्टू बॉस से, जिसके बाद वह नजर आए 2013 में आई मूवी फुकरे में, जिसके कारण वह अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक लोगों के बीच कामयाब हो गए थे। फिर साल 2014 में वह हिस्सा रहे थे 2 मूवीज का, पहली जय हो जिसका टोटल कलेक्शन रहा था 195 करोड़, जो उनके करियर की पहली सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। साथ ही 2014 में ही वह हिस्सा रहे फिल्म ओ तेरी का, जिसके बाद वह हिस्सा रहे 2015 की मूवी डोली की डोली बैंगिस्तान, 2016 की सनम रे एंड जुनूनियत का। पुलकित के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2017 में, जब वह नजर आए 2013 में आई उन्हीं की मूवी फुकरे के सेकंड पार्ट फुकरे रिटर्न्स में। फुकरे रिटर्न ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। 22 करोड़ के कुल बजट में तैयार हुई फुकरे रिटर्न्स ने 106 करोड़ का बिजनेस करा था बॉक्स ऑफिस पर। साल 2018 की मूवी वीरे की वेडिंग, जिसमें वह स्क्रीन शेयर करते दिखे कीर्ति खरबंदा के साथ, 2018 की थ्री स्टोरीज, साल 2019 की पागलपंती, 2020 की तैश, 2021 की हाथी मेरे साथी, यह वह फिल्में रही उनके करियर की जिसका वह समय समय पर हिस्सा रह चुके थे। पुलकित इसी महीने सितंबर के अंत में वह फिर नजर आएंगे उनके फुकरे मूवी के थर्ड पार्ट फुकरे 3 में। अगर उनके लव लाइफ की बात करें तो फिलहाल वह डेट कर रहे हैं एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा को, जिनके साथ वह स्क्रीन शेयर कर चुके हैं मूवीज वीरे की वेडिंग, पागलपंती एंड तैश में। पुलकित आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ अपने दम पर ही बनाई है। वह आज जिस भी मुकाम पर है सिर्फ और सिर्फ अपनी डेडिकेशन और हार्डवर्क के कारण। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।